वहां से बिछड़ना पड़ा मुझे, हर मोड़ पर कोई ना कोई घात हो गई, हर चौक हर चौराहे का मौजू है सियासत, ये कौम माहिरे सियासियत हो गई। हुई आंख नम और ये दिल मुस्कुराया, बचा कुछ नहीं जो कमाया, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, तेरा भांडा भी फोड़ जाऊंगा, चल हां बच्चू। बात करता हूँ खरी अब तसीफ लारे मासे चौधरी। की वादियों से लेकर ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों तक जो भी हमें देख रहा है, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हालचाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो गुलाबी शर्ट सर बिल्कुल मेरी फुफो लग रही है। आपकी फुफो की इतनी दाढ़ी है? बहुत अच्छा। अच्छा मैं कह रहा हूँ गुलाबी कलर उनको जरा पसंद है। अच्छा, और इसलिए आप लग रहे हैं। लेकिन आज ग्लैड आपको अपने खानदान वालों की याद आई मुझे देख के। वेस्टकोट पिंक शर्ट पहनी, वेस्टकोट पहनी है, डिफेंस टोल बजाने वाले लग रहे हैं। भाभी के साथ एक दफा जा रहे हैं लाहौर से इस्लामाबाद। अच्छा, रास्ते में एक सर्विस आई ना, तो वहां से चिंगम लेके दी काफी सारी भाभी को। कहने लगी ये बस पूरे रस्ते चबाती रहना। अच्छा, वो कहने लगी आपने अपने लिए क्यों नहीं ली? तो कहने लगे मैं ज्यादातर खामोश ही रहता हूँ। शादी करूंगी जिसका बहुत ऊंचा कारोबार होगा। अब वो कहने मेरे ना कर लो, मैं यादगार पापड़ भेजना। ऊंचा कारोबार। एक दिन डॉक्टर साहब को गए, डॉक्टर साहब इन्हें दंद वेख के कहने ये कैसे टूटे हैं? ये कहिंदे जी बस और रोटी कड़क खा बैठा, तेरी भाभी ने बना ली ही। वो कहिंदे तुसी रोटी खाने तो इनकार कर देना है। कहिंदे वही तो कीता ही ताहीं ते टूटे ने। अच्छा, इतने मासूम आदमी ने कि अजायब घर गए ने, जानदे ही उथे एक कप तोड़ता है। अफसर आके कहिंदा कि 500 साल पुराना तुमने कप तोड़ दिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? और कोई कहिंदे शुक्र मैं समझा नवा टूट गया। मेरे ख्याल से मेहमानों को बुलाने का वक्त आ गया है। हमारे दोनों मेहमानों का ताल्लुक है शोबिज इंडस्ट्री से। पहली मेहमान कराची तशरीफ लाई हुई हैं, टेक्सटाइल डिजाइनिंग पढ़ी थी अमेरिका से और अब कर रही हैं एक्टिंग पाकिस्तान में, मोहतरमा तारा महमूद। तारा का साथ देंगे हमारे एक बहुत ही जबरदस्त एक्टर, बड़े इंटेंस रोल करते हैं वो, जनाब कामरान मुजाहिद। आज बड़ी खुशी हो रही है सर, कामरान मुजाहिद साहब आए हैं, मेरे कंगले जमाने के दोस्त हैं। अच्छा, उन्हें केड़ा तुसी ऊंट ले लेने यार। अभी जो यंग जनरेशन है उनमें सबसे ज्यादा एक्सप्रेशन इनके चेहरे पे आते हैं सर, जब पेमेंट ना मिले तो। मगर आपको शेर लाए हैं कि नहीं लाए? लेकिन मैं तारा जी के लिए आज शेर लाया। अच्छा, इर्शाद, हाँ, इर्शाद। कि तुम्हारे शहर की मिट्टी लगी है पैरों में। वाह, तुम्हारे शहर की मिट्टी लगी है पैरों में, हमारे गांव के रस्ते खुशी से पागल है। बड़ी गर्मी है बाहर और दूर तक छांव नहीं। बड़ी गर्मी है बाहर और दूर तक छांव नहीं। क्या आपके पास कोई अच्छे से गॉगल्स हैं? ये शेर आपका अपना तकलीफ अपना जाती सर, स्पेशल शेर है सर। आपने खुद बनाया? जी बनाया तो मैंने लिखा। आप गाड़ी लाया आज अपनी? जी जी जी। उसके अंदर पिस्तौल पड़ा हुआ है? जी। अच्छा, मुझे वापसी पे याद कराइएगा। अच्छा, मेरा शेर अदबी, आज बीवियां वास्ते आ। अच्छा, मतलब सारियां बीवियां नु भी उठे, हर बीवी बहुत ही क्यूट होती है। वाह, अच्छा, हर बीवी बहुत ही क्यूट होती है जब तक वो साइलेंट और म्यूट होती है। मेरा शेर छोटे दिलां से कभी, हाँ, जिन्हां दे दिल टूट जांदे ने एवें ही। जी जी जी, उन्हां लई जो लोग चाय में अल्फी डालकर पीते हैं उदास। अरे क्या क्या क्या, जो लोग चाय में अल्फी डालकर पीते हैं उदास। हाँ। वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। मैं
मैं तो खामोशी हो गया हूँ इस शेर के बाद बिल्कुल कि आपने क्या खूबसूरत बात कर दी है उदास साहब, थैंक यू। वैसे ये जो इन्होंने खवातीन और बीवियों के बारे में खासतौर पर बात की थी, कामरान आप इससे एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि अगर बीवी अगर बोले ना तो इसका मतलब गूंगी है वो। इसका मतलब वो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है। तो आप बिल्कुल यानी कि इससे एग्री नहीं करते? नहीं नहीं, मैं एग्री नहीं करता। ये देखा आपने बहुत जनरलाइज बात की थी। कैसे रुपया साहब, मुजाहिद भाई ने उधर अपने सासू फोन किया है कि जेना तुसी मेरी शादी कराया ना, बिल्कुल उन्होंने अकल नहीं हैगी, ये वो समझदार नहीं हैगी, कहिंदी ऐसे करके तेनों इहो जिहा मुंडा मिलिया। देखे फिर आप पे एक हमला किया उन्होंने, इसकी क्या वजह मुझे ये बताएं। नहीं सर, भाभी बहुत ही इनोसेंट हैं। एक दफा भाभी इनसे कहने लगी कि छुपन छुपाई खेलते हैं, वाह वाह, अगर आपने मुझे ढूंढ लिया तो फिर शॉपिंग पे चलेंगे। आगे से चलाकी कर रहे थे, कहने लगे और अगर मैं तुम्हें ना ढूंढ सका तो? तो भाभी कहने लगी इस तरह तो ना करें, मैं दरवाजे के पीछे ही तो होंगी। भाभी ना बाजार जा रहे ने ते हाथ फड़े आ। अच्छा। मैं कहा इन्ना प्यार, कहते प्यार नहीं, जो हाथ छड़दा दुकान च वड़ जाती है। यहाँ पे आप सारे मर्द हजरात जो हैं इस किस्म की बातें कर रहे हैं, खातून बैठी हैं, आप बताएं कि क्या ये सही है ऑब्जर्वेशंस? हाँ, लड़कियाँ बहुत सारी बातें करती हैं, लेकिन वो बातें नहीं करेंगी तो आप लोग तो बोर हो जाएंगे। Yes. आप तो शादी ही ना करें। अगर आप लोग बात नहीं करेंगे और वो भी बात नहीं करेंगे तो ये तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। देखिए जब बीवी बात करती है ना तो बहुत मसला बन जाता है, आपको पता नहीं है यार। तारा, आपने टेक्सटाइल डिजाइनिंग पढ़ी अमेरिका से और उसके बाद आप कुछ 6 साल अमेरिका में काम भी करती रहीं और फिर आप एकदम वापस आ गई पाकिस्तान। बिल्कुल। तो ये वापस क्यों आई पाकिस्तान, जब इतना एक आपने पढ़ाई भी वहाँ की, 6 साल लगाए भी अमेरिका के अंदर, तो क्या चीज वापस खींची आपको? बस ये सोचा वापस आ जाए। हाँ। और फिर वापस आई तो फिर वापस अमेरिका नहीं गई? वापस अमेरिका नहीं गई, और वापस आते ही मुझे एक्टिंग में घुसाया गया। प्लान था आपका एक्टिंग वगैरह करने का? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो सोचा भी नहीं था कभी एक्टिंग करने का, लेकिन इत्तेफाक से मैंने सुना, आपके दोस्त ने मुझे बताए थे कि आपकी दिली ख्वाहिश थी कि आप मेरे साथ काम करें, और बड़ा मेरी दिली ख्वाहिश थी जो मेरे दोस्त बता रहे थे आपको, माशाल्लाह जी आपके दोस्त मुझे जबरदस्त सोर्सेज हैं आपकी। अच्छा, और बड़ा इत्तेफाक हुआ कि मेरा पहला डेब्यू जो था वो आप ही का लिखा हुआ था। और फिर क्या ही लिखा होगा। मैंने जिसके अंदर मेरे दोस्त ने काम किया, पहले दो जो मैंने सिटकॉम्स किए थे वो आप ही ने लिखे। मगर आपने सिंगिंग की बाकायदा जिसे कहते हैं तालीम हासिल की, आप रियाज वगैरह करती थी बचपन में? एक्चुअली में यानी कि सिंगर बनने का था आपका प्रोग्राम? जी, उस्ताद फतेह अली साहब से सीखा था। और कितने अरसे आपने सीखा? कुछ साल सीखा था, फिर उन्होंने क्या ना कि बेटा तू नहीं सीख सकती, तू अमेरिका चली जा। और एक्टिंग जो कि आपने आके एक्सीडेंटली शुरू कर दी, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। मेरा पहला जो सिटकॉम चला था वो पीटीवी पे चला था, इंस्पेक्टर खोजी, तो मैं इतनी घबरा गई, मैंने कहा मैंने नहीं करना, ये नहीं हो सकता। फिर उसके बाद एक और ड्रामा आप लोगों ने ऑफर कर दिया, तो फिर मैंने कर लिया। अब तो आप धड़ाधड़ सीरियल्स के अंदर काम कर रही हैं, अब तो ऐसा लगता है कि आपने बकायदा प्लान करके एक्टिंग की है और अभी कामयाब भी हो रही है। हाँ, मैंने डिसाइड किया कि अच्छा करते हैं ये, लेट्स सी क्या होता है। बड़ी बात है कि आप इनका पहला ड्रामा करके और बिजी हैं। आप सोचेंगे नहीं, अभी तक मतलब वो मैंने 2005 में किया था, 2005 और 2006 में मैंने रॉ बैंड और इंस्पेक्टर खोजी किए थे, और अभी जब मैं फ्लाइट पे आ रही थी तो एक आंटी मेरे साथ मिली थी और कहती है तुम्हें तो मैंने रॉ बैंड में देखा था, इंस्पेक्टर खोजी में देखा था। ये बात उस तरह मुंह करके बताइए, कितने साल हो चुके हैं इस ड्रामे को? 2005 से आप काउंट कर लें कितने, यानी कि 13 साल पुराने ड्रामे की रिकॉल अभी तक आ रही है। अभी तक तुम 13 साल पहले लिख दे सी तो हुन भी लिख रहे जे, तनु लिखना क्यों नहीं आया? बड़े एक इंटेंस किस्म के एक्टर हैं कामरान, तो ये क्या इंटेंस रियल जिंदगी में भी हैं या सिर्फ अदाकारी करते हुए ये इंटेंसिटी निकलती है? नहीं, रियल जिंदगी में तो नहीं हूँ, सिर्फ अदाकारी करते हुए। लेकिन मेरा ये रहा कि शुरू से ही मुझे बड़े इंटेंस कैरेक्टर मिलते रहे, तो मुझे वो मज़ा भी आता करने में, और कोशिश करता हूँ कि हर कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से डिफरेंट हो, क्योंकि आज के दिन में आपको पता ही है स्क्रीन के ऊपर वासे भाई एक जैसे प्लेस चल रहे हैं, तो वो फिर एक्टर खुद कोशिश करता है कि हर कैरेक्टर जो है ना वो डिफरेंट हो। अगर आपके ऊपर एक इंटेंसिटी की उन्होंने लगा दी हुई है, अच्छा आपका अगर इंटेंस कैरेक्टर है तो कामरान को हम करेंगे। ये वैसे कभी सोचा आपने, जब अब तो चले खैर आपकी रेपुटेशन बन चुकी हुई है जिस तरह आप कह रहे हैं कि इंटेंस कैरेक्टर के लिए, मगर जब पहले हुआ तो क्या आप खुद मांगते थे ऐसे वाला कैरेक्टर, या फिर शक्ल की वजह से आपको लगता है कि आपको देते थे वो?
पता नहीं उनको उनको शक्ल मेरी ऐसी लगती है शायद कि मैं इस तरह के कैरेक्टर्स कर सकता हूँ. जब मुझे पहली दफ़ा ये कैरेक्टर ऑफर हुआ था इस तरह का, तारिक जमील साहब उसके डायरेक्टर थे, तो मैंने उनको कहा था कि सर ये मेरा कैरेक्टर नहीं है. तो मैंने उनसे माजद कर ली थी कि मैं नहीं करूँगा. तो वो बजिद थे कि नहीं तुम ही करोगे ये कैरेक्टर. वो अल्लाह का शुक्र है वो कैरेक्टर किया. तो जब उसके वो टीजर चले, वो प्रोमोज चले, तो मेरा कैरेक्टर प्रोमो से ही हिट हो गया. ये तो तू ही कह रहे हैं ना, सीधे देखिया यार रोक के ना जरा आप बताएं. पूरे चांद की रात वो सीरियल था. तो वो कैरेक्टर जब चला, सीरियल चला, तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अल्लाह किसी ने खास नहीं किया. नहीं यार सर मेरे तो दोस्त है ना, दोस्तों के साथ आप ये सलूक करते हैं सर? ऐसी फिर भी तो मिलना हम इतने सीन कर रही है. वहाँ पे आपने इस लड़के के साथ भी काम किया हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहली बार इनको मुकाबले के सेट पे मिली थी और इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी और वो प्ले भी माशाल्लाह बहुत अच्छा चला था. अच्छा तो ये सही काम करते हैं? सारा वगनी गाते ज्यादा थे और काम काम ना. अच्छा वहाँ भी गाते रहते थे सारा वक्त? तो ये बीमारी सिर्फ यहाँ की नहीं है? नहीं, यानी कराची में भी इस बीमारी के सिग्नल आ रहे होते हैं. हाँ जी. और एक्टिंग सेक्टिंग सही करता है? बहुत अच्छी सलीके से रहता है सेट के ऊपर. कोई शिकायत वगैरह? शिकायत है तो दे इनको ना. अब तो बहुत फिट हो गया है पहले से. पहले कदर तोड़ तो डेग पे अंदर से चले चले बना लिए. पहले मसल पहले की सी की रोटी चोके कंच पा लेंदे थे. पहले की इस तरह असद ना करें. अगर उस लड़के के सिक्स पैक हैं, आपको मैंने कितनी दफा कहा है सिक्स पैक की फायदा चुई जे मुंह ते सिक्स पैक ही है. देखो ना फिट होवे बंदा इंज दा खूब गोभी वरगा मुंह है ते वन पैक. गोभी वर्गा मुंह होवे ते नाना पाटी वर्गी दाढ़ी होवे. अब आप देखे देखे जलसी नहीं अच्छी बात. सारे काम करो मोहसिन भाई, वन व्हीलिंग छोड़ दियो बस. कब करता हूं वन व्हीलिंग कर करके ते तुम्हारे गोडे रगड़े गए ने देखो यार. ये एक फैशन है. अच्छा ये फैशन है? आपको क्या पता लोकां दा मुंह काला हुंदा उहनां दे गोडे हो गए. यार अगर उस लड़के को कोई तारीफ कर रहा है, एक देखें एक चीज को ना आप एक्सेप्ट करें. कैसर पिया साहब और उदास साहब, ये उसका टैलेंट है कि वो फिल्म के अंदर भी चल जाता है, वो टीवी के अंदर भी चल जाता है, वो सिंगिंग के अंदर भी चल जाता है. अब बॉर्डर वाले पास ना जाना, नहीं तोप जरा के उन्होंने चला देना इधर. चिरागों के सर मिले हैं मुझे, जो बिल्ली खा गई चूजे के पर मिले हैं मुझे. मैं घर बना नहीं पाया कि है महंगाई बहुत, किराए पर भी तो महंगे ही घर मिले हैं मुझे. मैं डिग्रियों पे ही रहता तो भूखा मर जाता, खुदा का शुक्र इजाफी हुनर मिले हैं मुझे, शुक्र मौला ता. एक बारी कॉल की थी 15 पे. अच्छा वो मैनू ही पार के लै गए. उन्होंने मैनू छित्र मारे, उस तो बाद फिर मैनू लभदे ही रहे ने. क्यों? मैं छित्र दे नाल ही लग गया सी. वेलकम बैक टू मजाक रात. कामरान ये बताएं, एक बड़ा ड्रामा जो कि सिग्निफिकेंट रहा है आपके करियर में, मर गई शौकत अली जी, जिसके अंदर बड़े ही खतरनाक किस्म के एक्टर्स आपके साथ थे और आई मस्ट से कि आपने बड़ी ग्राउंड को होल्ड किया उसके अंदर, क्योंकि नुमान अजाज जैसे जिन आपके सामने खड़े हुए थे और खैर वो जिन अपनी आई पे आया हुआ था. मेरा जो पहला उनके साथ एक्सपीरियंस था वो था मलंगी. अच्छा मलंगी में वो मलंगी थे? बिल्कुल. तो मैं एक स्पोर्टिंग कैरेक्टर कर रहा था, तो उसमें उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ सिखाया. एक फ्रेम के अंदर अगर तीन एक्टर्स खड़े हुए हैं तो तीनों जो है वो परफॉर्मर है, तो आपको ऐसा एक्सप्रेशन देना पड़ता है कि आप उन दो लोगों में से डिफरेंट हो जाएं. तो नोमी भाई ये कोशिश करते हैं और उन्होंने मुझे भी ये कोशिश करनी सिखाई है और मेरे जैसे और भी बड़े लोग हैं जिनको सिखाते हैं. नोमी के अंदर क्वालिटी ये है कि वो सिखाते हैं. फिर उसके बाद आ जाता है थिएटर. थिएटर में मैंने बहुत कुछ सीखा. आपने थिएटर टीवी पे काम करने के बाद शुरू किया था ना? ये बड़ी ऑड, क्योंकि यूजुअली लोग थिएटर पहले करते हैं और फिर टीवी पे आते हैं, मगर आपने टीवी पे जाने के बाद थिएटर का रास्ता दोबारा किया. हुआ ये कि जब ऊपर तले दो कैरेक्टर सेट हो गए और मुझे एप्रिसिएशन मिलनी शुरू हो गई, तो मैंने कहा कि अब इस काम को ना थोड़ा सा सीखना चाहिए. तो मुझे पता चला अजोगा थिएटर. जब अजोगा में मैं गया तो मैंने अजोगा ज्वाइन किया, तो फिर वहाँ पर वर्कशॉप स्टार्ट हुई, परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई. तो वो फिर आहिस्ता 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 फिर सरफराज अंसारी थे वहाँ पर, मदिया गौहर, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा. शायद नदीम साहब, इन्ने बंदियां को सिखा नहीं समझ आती, कोई काम होर सीख लो. आप मैरिड हैं? नहीं 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 नहीं. और कोई खास वजह? वैसे तो हमें नजर आ रही है, मगर फिर भी कोई खास वजह? वैसे करियर
अच्छा हाँ करियर की वजह से करियर की वजह से हाँ. क्या कोई मतलब कोई क्या पूछना चाहते हो कोई स्पेसिफिकेशंस हैं आपके स्पेसिफिकेशंस हैं आपके ज़हन में कि कैसा लड़का चाहिए आपको नहीं कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है बस ऐसे ना I'm good. I'm very happy today. Why, why? You know, I have a good news for my future. Oh. Yes, All Pakistan Beggar Association. Okay. उन्होंने मेनू अपना ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर लिया. You know, I have American passport. जी. That's why. He said, come to the meeting. It's Switzerland, which meeting हो रही है. 27th नो ऑल पाकिस्तान बेगर एसोसिएशन की मीटिंग स्विट्जरलैंड में स्विट्जरलैंड में जो ये मैं जा रहा हूं उन्होंने मैंने क्या आधा किराया असि तेनु देंगे एंड 50% यू हैव टू पे बाय योरसेल्फ वाह 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 ओ मेरे को हो गया किराया भी हो गया अच्छा क्या बात है बस 1700 रुपया काटे ओए होए होए आई नीड 1700 रुपीस दैट्स इट बट तुसी मेरा कोई बंदोबस्त कर दियो मैं जो वापस आऊंगा ना मैं तो आधे वास्ते बड़े गिफ्ट तो मांग के ले आऊंगा सो देन मे बी यू शुड ट्राई फॉर द 1700 रुपीस फ्रॉम आवर गेस्ट वी हैव गॉट टू एक्टर्स हाउ आर यू डूइंग बेबी बेबी आई एम सॉरी एते मेहमान भी आज बड़े ही कमाल दे हैगे ने अच्छा इनन नु ते इनन दा ट्राना सुनाओ ते लाख रुपए दे देंदे ने आजकल सीजन है ना अच्छा जदों आएगा इमरान करेंगे तेरे जान बनेगा नया एक मिनट वो पीटीआई से नहीं है दिस शी लुक्स लाइक पीटीआई इफ शी लुक्स लाइक पीटीआई व्हाट डज ही लुक लाइक वो तो कोई गुमशुदा जाए बंदा लगता यार दे आर नॉट पॉलिटिशियन दे आर एक्टर्स ओह लेट मी डेडिकेट यू अ वन सॉन्ग एंड यू हैव टू पे मी समथिंग इफ यू करात भी देना चाहिए झोला तेरे पीछे पीछे आने मजबूर तेरे तेरे ले मैं पानिया वो ते आप मेरे वर्ग यार इस तरह कर अमेरिका ला जा तुम उठे मंगया करो इनू इनू मिनार कामरान साहब इन्हां दा नाम है इतने मुंह नाल ते मैच नहीं कर रहे यार नहीं ते ते यंग बॉय टोपी जो बाली है तुम्हारी You looks like very nice. Thank you. ते पैसा है दे पले नहीं. एक चीज़ तो बता चलो. तारा जो है ये भी अमेरिका में पढ़ी हुई है और 6 साल. मैं तारा तारा जागूं तेरे नाम. भाई वाह. क्या बात है. मैं तारा तारा जागूं तेरे नाम. अब मैं तो आधे लोग पैसे पान लगाएं. वो 6 साल न्यूयॉर्क भी रही हुई हैं. Wow, she's my grind. She's your grind? Yes, I'm from New York City. My mom from Virginia, but my father from Chichavatani. You know, Tiara Chak de Kol Randin. Singer Velo Ha, Tidi Pushalundi. Namuna Mata, Tajin Paralacha. I don't want to talk to you. All the time, Jugto Jugti, मैं कोई Jugta करना ला? तू तो खुर के शुरू करना ला बस। अरे वालों मैं हाँ ही समझ। कोई पैसे नहीं मिला माजरा चाहता हूँ। ना नंबर की है। क्यों? नहीं मैं क्या कभी मैं कॉल कर लूँ मैं because मेरी grind है ना। लेवलों 1-5 वो तो मैं एक बार ही कॉल की थी 1-5 तो। अच्छा। वो मैंने ही पार के लाए गए। उन्होंने मैंने छितर मारे हैं। उस तो बाद फिर मैंने लब दे ही रहे ने। क्यों? वो मैं छितर दे ना आले लग गया। माशाल्लाह ते अपना भाभी भी उन नाल ड्रामे चाहिए अरे भाभी नहीं है वो अलग गेस्ट नहीं है अच्छा अलग है हाँ तो अच्छा अलग की हो गई है अरे नहीं यार बोले वेलकम बैक टू मज़ाक रात कामरान ये बताएं वोट वोट डालते हैं आप लोग जी बिल्कुल डालते हैं पिछली बार डाला था आपने जी जी जिसको डाला था वो जीता था या हारा था नहीं हार गया था हार गए थे मगर आप उनको दोबारा नहीं अगर जीत जाता तो पाकिस्तान के हालात चेंज होते मगर आप उनको वोट दोबारा नहीं दे रहे नहीं वोट मैं अभी फैसला नहीं किया कि उनको दोबारा देने कंफ्यूज तो हो गए ना देखें आप पक्का वोट जो था उनका वो 50-50 में चला गया उसकी रीजन ये है कि वो जिसको वो टिकट देंगे वो बंदा पता नहीं कैसा होगा अच्छा मुझे नहीं लगता वो बंदा ठीक है दिल में पड़ चुका है आपने लास्ट टाइम वोट डाला था जी बिल्कुल डाला था और मैं और आपने जिनको डाला था
मैं शायद उन्हीं को डालूंगी दोबारा। अच्छा, उन्हीं को आप डालेंगे, आप पक्की हैं अपनी चॉइस के ऊपर? हाँ बिल्कुल। और आपको लगता है कि वही डिजर्व करते हैं वोट जिनको आपने डाल सिंह? वेल, जिस तरह ये कह रहे हैं, अभी पता नहीं कौन किसको टिकट मिलेगा, जिस सीट पे हम लोग वोट कर सकते हैं, सो देखेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स पार्टी पे एफिलिएशन है ना। यू आर गोइंग बाय द पार्टी हेड। पार्टी वो टिकट ओनू देंदे जेड़ा सही ईमानदारी नाल झूठ बोल सके ना। फिर तो साडा दोवां दा बंदा। मगर वैसे आप लोग ने वोट डाला था? जी माशाल्लाह। तो आप इस बार भी तैयार हैं डालने के लिए? इस मरतबा भी डालेंगे इंशाल्लाह। लाया ज़हन आपने? वोट हमारा इमरान खान का है। अच्छा। निकलेगा नवाज शरीफ। और आप उदास साहब? नहीं, मेरा तो अभी वोट ही नहीं बना। वोट नहीं बना अभी, एज नहीं है ना इतनी। सही बात। जब अगर नहीं बना तो और 5 साल ठहर जाओ, फिर नई जरूरत पड़ेगी। सर शऊर आ गया बंदियां नू। मैं हुण जिन्नू वोट पाना, जिन्नी देर तक उन्हें 3 प्लेटां बिरयानी दी ना खवाइया, मैं उन्हें पाना नहीं। एक प्लेट से वोट पा दो, 3-4 होनी चाहिए। यार ये कब बिरयानियों से निकलोगे? असी नहीं निकलना, लै भुखे मर जाइए। हूं मैं तो अपने वाला साहब नहीं बुलाना। क्यों क्यों? 700 रुपया लाके वोट पाता, बंदा 1000 दे लेंदा। चल बहुत अच्छे भाई। तमाम अहले वतन को मुबारक हो, लोड शेडिंग का चांद नजर आ गया। अरे यार, मैं तुहानू एडवांस खबर दे रहा भाई, शहरी आबादियों में 8 से 12 घंटे लोड शेडिंग होगी और देही आबादियों में 8 से 22 घंटे। अल्लाह हू अकबर। महकमा मौसमियात कितना फाल हो गया, होर तरक्की केनू कहिंदे ने, ये मैं तुहानू खबर दे दित्ती है। बाद च महकमा जिम्मेदार नहीं होगा। बड़ी बुरी खबर दी है की फिर महंगी हो जाएंगे बैटरियां, फिर चंगे रहोगे? नहीं, मगर वो हुकूमत ने जो इतने पावर प्लांट लगाए तो वो कह रहे हैं अब तो बिजली नहीं जाएगी। केड़ी हुकूमत? हमारी हुकूमत। किथे? इत्थे पाकिस्तान में। कौन कहंदा? वो हुकूमत वाले। तुसी किथे वेखिए? टीवी पे बयान देते हैं। मैं इन्ना हो गया नौकरी करना, मैं तो कभी वेखे नहीं, तुसी कितों वेख लई? तू ऐनक लाए ते वेखे देख रहे जे ए तुहाडी शायद उत्ते गल्लां करदे ने यार। पर 2 मिंट जिन्हां नूं मैं थाने लै जावां ते इन्हां नूं लग पता जावे। ओए कामरान शाह साहब? नहीं 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 नहीं, अपना मुजाहिद आबाद साहब? नहीं नहीं नहीं, दोनों मिक्स करो। आ कामरान मुजाहिद साहब? बिल्कुल। ओ ले आ डाला। क्यों यार? हेलो, क्यों सर? इन्हें खर्चा करना तो मैं तो खर्चा करना। क्यों? वो जब वो कह रही है मैं मर गई शौकत अली, फिर उधर तो ड्रामा बनाने की क्या लोड़ है? वो एक तो मर गई बेचारी, एक तू मेहमान ले आंदा ने। क्या मतलब कहां? ये तो आएगा बड़ा बिजी है, तो ये कितों आ गया? बस हमने कर लिया। ओए मेरा बड़ा फैन है। आप इनके फैन है? मैं इन्हें तो बड़ा फैन है। ओ मैं तोड़े ड्रामा देखा जी, लव लाइफ और लाहौर जी, माशाल्लाह तुसी ते लह दे गए हो जी। वैसे उधर डायलॉग भी बड़े अच्छे सन। अच्छा, तो ये की काम कर देने? ये तो चंग बाजार ने कपड़ा बेच देने। ओ ते लिखे होंदे ने ते ता कर देने ना। आपने कोलो की कर देने? एक्टर हैं। ये कर देने? हां किथे, मैं तो नहीं कभी देखिया। बिल्कुल जेनुइन लगते ने उधर विच। कामरान मुजाहिद साहब ने ना, वो ही मैं के मैंने शक पै रहे भी वो ही ने, क्योंकि एड़ा सोना हीरो ते कुरो होर कोई है ही नहीं। बिल्कुल। ते ये कौन है फिर? अच्छा वो ही है माशाल्लाह, ते अपना भाभी भी हुन नाल ड्रामे च है। ओए भाभी नहीं है ओए, अलग गेस्ट है ये। अच्छा अलहदा ने? हां माशाल्लाह, अलहदगी हो गई है। अरे नहीं यार, बोले उनकी शादी उनसे नहीं हुई हुई ते वो फिर जलालत जड़ी मैं भुगती हूं कितने। और वो तो ऐसी मैं आ देखे निकाह खान में थे यार। शादी कामरान मुजाहिद की शादी वैसे हुई हुई। अच्छा, है उनकी फैमिली वैसे है? अच्छा वैसे दी वैसे ही है। अरे वैसे उनकी शादी है, उनकी फैमिली है, तारा की शादी नहीं है, उनकी फैमिली वो नहीं है। एक तो थोड़ी समझ नहीं आती, कहते भी उनकी फैमिली नहीं है नाले, कहते उठे ही है यार। ये तारा महमूद है इनकी। अच्छा ओ ये ते बड़े बड़े ग्लूकोस ने। ग्लूकोस नहीं है। सॉरी अपना सिंगर ने। नहीं अदाकारा है। अदाकारा ने माशाल्लाह तारा साहिबा जी, ये ते कराची दे ने जी। बिल्कुल। ये आपस में किमे मिले सन? नहीं पहली दफा यहां मिले। पहली दफा माशाल्लाह। ओ भरजाई है ना? ओ भी नहीं नहीं नहीं
ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਲਿਆ ਡਾਲਾ ਕਿਉਂ ਉਹ ਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਗਲਖਾਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਮਾਨਤ ਚੰਦ ਆ ਅਮਾਨਤ ਚੰਦ ਸਰ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਕੋ ਅਮਾਨਤ ਚੰਦ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਨਹੀਂ 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 ਸੌਰੀ ਤਾਰਿਕ ਡੈਡੀ ਆ ਤਾਰਕ ਡੈਡੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮਰਾਨ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਬਾਜੀਰੋਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਰਾ ਮਹਿਮੂਦ ਕਾਰਾ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਖੁਦ ਪੁੱਛਿਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਓਕੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲ वेलकम बैक टू मज़ाक रात जी अजीब गरीब क्या है आज की पहली खबर भारतीय रियासत कर्नाटक से है जहां एक हाथी धुएं के कष्ट लगाता दिखाई दिया है तफसीलात के बाद ये बात सामने आई है कि जब आसमानी बिजली जंगलात में गिरती है तो दर्जा हरारत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिसके बाद उनमें आग लग जाती है और जब वो हाथी उन दरख्तों के पास से गुजरता है तो वो धुएं को इनहेल कर लेता है और अपने फेफड़ों में स्टोर कर लेता है और अक्सर वो हाथी धुएं के मरहूले बनाता हुआ दिखाई दिया है ना तो पहले बांदरों का ट्रक स्टाया सी उन हाथियों का स्टा लिया ਸਾਡੀ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਾ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਆਹੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਦੇਤੀ ਹੋਏਗੀ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਹਾਥੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਤਾ ਹੈ ਹਾਥੀ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਨ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਗੰਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਥਨੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਹਾਥੀ ਕਿਹੜਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਥੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ 'ਚ ਕੀ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਥੀ ਵੈਸੇ ਵਾਸੇ ਬਾਈ ਇਸ ਬਾਤ ਕਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਜੀ ਜੋ ਜੰਗਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਗ ਲੱਗ ਜਾਤੀ ਹੈ ਇਸਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਜਾਤੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ ਸਹੀ ਬਾਤ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਖਬਰੇਂ ਜੋ ਹੋਤੀ ਹੈ ਵੋ ਜੰਗਲ ਕੀ ਆਗ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਜਾਤੀ ਹੈ ਵਾਸੇ ਬਾਈ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹਿੰਦਾ ਦੋ ਲਾਈਆਂ ਕੈਸਰ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਦੋ ਲਾਈ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਿਗਰਟ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਲਾਈਆਂ ਵਾਸੇ ਬਾਈ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦਾ ਪਿਓ ਚੌਂ ਹਾਥੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ दूसरी खबर जो है वो रूस के एक चिड़ियाघर से है जहाँ एक बंदर को सेल्फी लेने का इस हद तक शौक है देखिए तेनू कहा सी ना कि बंदर की खबर आनी आनी है हां तो मैं भी तेनू कहा है ना कि तेरी खबर आनी आनी है उसने शौक को पूरा करने के लिए खातून का मोबाइल छीनने से भी गुरेज नहीं किया और ये दिलचस्प वाकया तब पेश आया जब एक खातून जो है वो चिड़ियाघर में सेल्फी ले रही थी और बंदर से बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने उनका फोन खींचा और सेल्फी लेना शुरू कर दी यानी बंदर भी अब सेल्फी लेते हैं लेते कि ले रहे ने आहो तो ये बताइए कि पहले कौन जाना चाहेगा लेडीज फर्स्ट लेडीज फर्स्ट उन्होंने कर दिया है और तारा आपको आगे किया है उन्होंने टाइटैनिक पे जा रही हैं आप हाँ। दो वीआईपी पासेस हैं आपके पास एक तो आपका अपना है दूसरे पे आप किसी एक को अपने साथ लेके जा सकती हैं इनमें से किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी वो हैं हमजा अब्बासी मिकाल जुल्फिकार एहसन खान मिकाल जुल्फिकार कोई खास वजह इकट्ठे मरेंगे अच्छा है बाकी भी इकट्ठे ही मरेंगे इनके साथ ज्यादा अच्छा लगेगा अच्छा बिकाल दोनों की लाइट आंखें हैं गोरे गोरे अच्छा लगेगा दादा अच्छा ये गोरे गोरे हैं हमजा अब्बासी और एहसन खान आपको गोरे नहीं लगे उन्होंने शक्ल किस स्केल ना मिल दी है जी आपने खुद अपने हाथ से कॉफी बनाई हुई है और आपने किसी को दावत देनी है तो इनमें से किसको आप इनवाइट करना चाहेंगी जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं मियां नवाज शरीफ आसिफ जरदारी साहब और मौलाना फजल उर रहमान जरदारी उन्होंने एक को डरा कहना कॉफी खत्ते खत्ते इनमें से किसकी कॉल आए तो फौरन उठा लेंगी किसकी कॉल आए तो उठाएंगी नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगी आप और किसकी कॉल आए तो आप उठाने के बजाय काट कर फोन को बंद ही कर देंगी अल्लाह वो हैं हुमायूं सईद शान और फवाद खान तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठा लेंगी फवाद खान किसकी कॉल आए तो उठाएंगी लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगी हुमायूं और किसकी कॉल आए तो आप फोन ही काट के बंद कर देंगी शान ये बताइए कि अगर आप एक दिन के लिए जिन बन जाए तो इनमें से किसको डराना पसंद करेंगी आप वो हैं नुमान एजाज फैसल कुरैशी फवाद खान नुमान एजाज क्यों मुझे बड़े अच्छे लगते हैं और उन्होंने मुझे एक्टिंग बहुत सिखाई है और तो मैं सिर्फ इनको डराऊंगी वो समझ जाएंगे नुमान एजाज साहब को आप डराना चाहेंगे जिन बन के और किसी को नहीं डराना चाहेंगे बहुत सारी तालियां तारा के लिए इन एक्टर्स को रेट कीजिए अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिंग स्किल्स वन बीइंग द बेस्ट ठीक है
اور جو نام آپ کے پاس ہیں وہ ہیں سہیل احمد، نعمان اعجاز، فیصل قریشی، عدنان صدیقی. فیصل قریشی نمبر ون پہ. نمبر ٹو پہ کون؟ سہیل احمد. نمبر تھری پہ کون؟ نعمان اعجاز. نمبر فور پہ کون؟ عدنان صدیقی. تو ان کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق جو ورسٹیلٹی سب سے دیتے ہیں وہ فیصل قریشی صاحب ہیں جی. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ورسٹیلٹی دی ہے وہ سہیل احمد صاحب نے دی، اور نعمان اعجاز صاحب آپ زیادہ ورسٹیلٹی نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ٹرین کی بوگی کے اوپر آپ سوار ہیں جی. آخری بوگی پہ کھڑے ہوئے ہیں، ٹرین چل پڑی ہے اور آپ نے ہاتھ دیا ہوا ہے کچھ لوگوں کو جو بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، کسی ایک کو آپ اوپر چڑھا سکتے ہیں ٹرین پہ اپنے ساتھ، وہ ہیں قائم علی شاہ، نیلم منیر اور اعتزاز احسن. نیلم منیر. نیلم منیر کیوں خاص وجہ؟ کیونکہ وہ عوام کے لیے کام کرتی ہیں. نیلم دا ہاتھ پھڑنا ہی ہے تو اسی اوپر انج کر کے کھچنا تے نال انہاں کہنا مائی دے. یہ بتائیے اپنے ہاتھ سے کافی بنائی ہے کامران مجاہد نے، کس کو انوائٹ کرنا چاہیں گے کامران مجاہد اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی کافی پر؟ فردوس عاشق ایوان، شیری مزاری اور کشمالا طارق. کشمالا. کوئی خاص وجہ؟ ان کے ساتھ ذرا بات کی جا سکتی ہے. اچھا، فردوس عاشق ایوان اور شیری مزاری کے ساتھ نہیں؟ او کچھ انہوں مار دیں دینا، انہوں نے دیکھ کے ڈر لگتا ہے. اچھا، ان میں سے اگر آپ کو ایک کو چوز کرنا پڑے ایز اے نیکسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان تو کس کو چوز کریں گے؟ نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب. زرداری صاحب ٹھیک ہے. پھر زرداری صاحب پرائم منسٹر ٹھیک ہے جی. یہ بتائیے کہ ان میں سے اگر اگلا چیف منسٹر پنجاب چوز کرنا پڑے تو کس کو چوز کریں گے؟ آپشنز ہیں آپ کے پاس حمزہ شہباز اور مریم نواز محترم. حمزہ. بہت ساری تالیاں کامران کے لیے. تھینک یو سو مچ کامران، آپ کے بہت بہت شکریہ. بیسٹ آف لک فار یور کیریئر.